आज के इस वीडियो में बात करेंगे DFYN एक्सचेंज के बारे में। ये एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जो पॉलीगॉन नेटवर्क के ऊपर बेस्ड है। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसा कि यूनिस्वैप काम करता है। इनफैक्ट यहाँ पे जो फीचर्स देखेंगे वो भी ऑलमोस्ट सेम है DFYN फीचर की तरह। और यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि ये पॉलीगॉन नेटवर्क के ऊपर काम करता है और यूनिस्वैप आपका इथेरियम चेन के ऊपर काम करता है, जहाँ पे आप यूनिस्वैप के ऊपर 15 से 20 ट्रांजेक्शन कर पाते हैं एक सेकंड के अंदर। वहीं DFYN एक्सचेंज के ऊपर आप एक सेकंड के अंदर 7000 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो फीस है दोस्तों वो यहाँ पे एक सेंट से भी कम है। और वहीं अगर हम बात करें यूनिस्वैप की, तो हम सबको पता है कि इथेरियम नेटवर्क के ऊपर आपको कम से कम इस समय 20 से 25 $ पे करना होता है एज अ फीस। और अगर नेटवर्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है तो यहाँ पे आपको 100 $150, 200 और कई बार उससे भी ज़्यादा आपको फीस पे करना होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे DFYN के इंट्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे मैटिक वॉलेट कनेक्ट, कैसे आप अपने वॉलेट को कनेक्ट कर सकते हैं इस एक्सचेंज के साथ। उसके बाद बात करेंगे स्वैप, लिक्विडिटी, फार्मिंग और DFYN के रोड मैप के बाद। और एंड में दोस्तों मैं आपसे बात करूँगा कि कैसे आप यहाँ पे मैटिक को अर्न कर सकते हैं मैटिक के फॉसेट से। और यहाँ पे मैटिक आपको दिन में 3 बार ऐसे मौके देता है जब आप यहाँ पे जाके मैटिक को रियल में क्लेम कर सकते हैं और उसे आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो मैटिक आपको मिलने वाला है वो टेस्टनेट पे नहीं है, वो यहाँ पे मेननेट पे है। तो अगर कोई पहली बार DFYN एक्सचेंज के ऊपर आ रहा है तो ऑब्वियसली बात उसे यहाँ पे मैटिक चाहिए होगा, क्योंकि मैटिक के बिना आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैंने बताया ये पॉलीगॉन नेटवर्क के ऊपर है, मतलब कि मैटिक नेटवर्क के ऊपर है, तो यहाँ पे जो फीस होगी वो मैटिक में जाएगी। तो यहाँ पे अगर आपके पास मैटिक नहीं होगा तो पहले आप जाएंगे किसी एक्सचेंज के ऊपर, आई मीन सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, वहाँ से आप मैटिक बाय करेंगे। फिर उसके बाद आप उस मैटिक को अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र करेंगे, वो भी मैटिक नेटवर्क के वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, तब जाके आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैटिक फॉसेट के थ्रू आपको कुछ मैटिक दिए जाते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं कम से कम 10 से 12 ट्रांजेक्शन के लिए। तो खैर उसके बारे में थोड़ी देर के बाद बात करेंगे, पहले बात करते हैं यहाँ पे DFYN के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया DFYN एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जो कि काम करता है मल्टीपल लेयर 1 और लेयर 2 ब्लॉकचेन के ऊपर। साथ में ये आपको अलाउ करता है कि आप दूसरे चेन या फिर दूसरे नेटवर्क के ऊपर से लिक्विडिटी को सोर्स कर सकते हैं, और इसके लिए वो यूज़ करते हैं खुद से डेवलप किए हुए रूटर प्रोटोकॉल को। तो अब चलते हैं इनके एक्सचेंज के ऊपर। तो आप यहाँ पे लॉन्च एक्सचेंज के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जो बिल्कुल सिमिलर है यूनिस्वैप के प्लेटफॉर्म की तरह। यहाँ पे भी आपको सबसे पहले अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाता है स्विच टू मैटिक का। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको मेटामास्क से डायरेक्टली एक नोटिफिकेशन आता है पॉलीगॉन नेटवर्क के लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्लिक करना है स्विच नेटवर्क के ऊपर, और ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके मेटामास्क को कनेक्ट कर देगा मैटिक के नेटवर्क के साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा जो वॉलेट है ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेरे पास इस समय वॉलेट के अंदर 0.00965 मैटिक है, और इतना मैटिक काफ़ी है यहाँ पे कम से कम 10 से 15 ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा स्वैप के ऊपर, और यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं आपको जिस टोकन के अंदर भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन करना है। तो यहाँ पे मैं मैटिक को चूज़ कर लेता हूँ, और मेरे अकाउंट में पहले से वुल्फ टोकन पड़े हुए हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था। ये एक NFT बेस्ड मीम टोकन है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है पॉलीगॉन नेटवर्क के ऊपर, और यहाँ पर करीब मेरे पास कुछ लाखों में टोकन्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे फटाफट एक स्वैप कर लेते हैं, और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कितने कम फीस में स्वैप हो जाता है। यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ 10 मैटिक, तो मुझे यहाँ पे कम से कम इतने वुल्फ टोकन को सेल करना पड़ेगा। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा प्रूफ के ऊपर, हम यहाँ पे प्रूफ कर देंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे जो ट्रांजेक्शन है वो कितना फास्ट होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं जो फीस है यहाँ पे ऑलमोस्ट 0.00, ऑलमोस्ट जीरो है यहाँ पे। कंफर्म पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अगर आप अपनी ट्रांजेक्शन को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ये आपको लेके जाएगा मैटिक एक्सप्लोरर के ऊपर, जहाँ पे आप अपने ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं कि वो यहाँ पे अप्रूव्ड हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपकी ट्रांजेक्शन है वो सक्सेस हो चुकी है। अब उसके बाद हम स्वैप के ऊपर क्लिक करेंगे और कंफर्म स्वैप पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जैसे हमें पता है कि एक मीम टोकन है, तो यहाँ पे हम इन 3 नंबर्स को रिप्लेस कर देंगे 0 के साथ, और उसके बाद यहाँ पे मुझे मिलेगा 9.97। स्वैप पे क्लिक करेंगे, कंफर्म स्वैप, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे कंफर्म करने के लिए पूछ रहा है। और जो फीस है यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं जो फीस है 0.00276, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप इसे कंपेयर करते हैं BSC के साथ भी तो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है ये। और यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है वो कम्प्लीट हो चुकी है, और मेरे अकाउंट में यहाँ पे 9.789 मैटिक इस समय आ चुके हैं।
अब अगर बात करें यहाँ पे लिक्विडिटी की, तो उसके लिए आपको जाना होगा पूल के अंदर। और यहाँ पे दोस्तों ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कि हम पैनकेक स्वैप, वन इंच या फिर यूनिस्वैप के ऊपर लिक्विडिटी को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा ऐड लिक्विडिटी के ऊपर। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से पेयर को चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे लिक्विडिटी को ऐड कर सकते हैं। अगर मान लेते मैंने यहाँ पे वुल्फ को चूज़ किया है, तो मेरे पास उतने ही अमाउंट का मैटिक होना चाहिए जितने अमाउंट का मेरे पास वुल्फ है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैटिक के अमाउंट के साथ जाऊँ, तो अगर आप देखेंगे मेरे पास 9.78 इस समय मैटिक है और करीब मैं इतने वुल्फ टोकन को यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। जब मैं यहाँ पे इन टोकन सप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे इन टोकन के बीच में जब भी ट्रांजेक्शन होगी, तो उसका 0.3% फीस मेरे पास आ जाएगा। तो इस तरह से आप लिक्विडिटी ऐड करके यहाँ पे ट्रेडिंग फीस से कुछ अर्न कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पे इम्परमानेंट लॉस होने के चांसेस भी हमेशा बने रहते हैं अगर यहाँ पे प्राइस इन टोकन्स की ऊपर नीचे होती है तो। उसके अलावा यहाँ पे DFY एन एक्सचेंज के ऊपर फार्मिंग का एक ऑप्शन है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे फार्मिंग के ऑप्शंस मिलेंगे, इकोसिस्टम फार्म, पॉपुलर फार्म, ड्यूअल फार्म। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आपको रिजल्ट देगा वो है यहाँ पे ड्यूअल फार्म। आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इस समय जितने भी पॉपुलर पेयर हैं वो यहाँ पे इस समय लिस्टेड हैं। नंबर 1 पे है रूट DFYN, नंबर 2 पे है DFYNZ और नंबर 3 पे है DFYN अरोरा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस समय जो परसेंटेज है वो है यहाँ पे 480% APR है, DFYNZ में यहाँ पे 404 है और रूट DFYN में आपको 325% का APR मिल रहा है। और यहाँ पे ध्यान रहे, आपको APR मिल रहा है, APY नहीं मिल रहा है। APR क्या होता है और APY क्या होता है वो मैंने कल आपको ऑलरेडी समझा दिया है बाइनेंस ऑन के ट्यूटोरियल में। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने डिटेल में बताया कि APR कैसे काम करता है और APY कैसे काम करता है। तो यहाँ पे अगर आपको फार्मिंग करनी है तो आप यहाँ पे इनमें से किसी एक पेयर को चूज़ कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे DFYN और अरोरा को चूज़ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको 480% का APR मिल रहा है। आप चाहे तो DFYN और Z के साथ भी जा सकते हैं, दोनों काफ़ी अच्छे टोकन्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको पहले DFYN और Z की लिक्विडिटी को ऐड करना होगा। मतलब आप पूल के अंदर जाके ऐड लिक्विडिटी के ऊपर क्लिक करके DFYN और Z पेयर को चूज़ करेंगे, लिक्विडिटी को ऐड करेंगे, उसके बाद आपको मिलेंगे LP टोकन्स। उन LP टोकन्स को आप यहाँ पे लाकर डिपॉजिट कर देंगे। डिपॉजिट करने के बाद यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 409% के हिसाब से, जैसा कि यहाँ पे बताया गया था। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस समय करीब $1,00,000 के टोकन्स यहाँ पे डिपॉजिट है DFYNZ लिक्विडिटी माइनिंग के अंदर, और इस समय करीब 1,953 DFYN और 7,316 Z टोकन इस पूल के अंदर हैं। तो इस तरीके से आप DFYN प्लेटफॉर्म के ऊपर फार्मिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कवर कर लिया है इंट्रोडक्शन, मैटिक वॉलेट कनेक्ट, स्वैप, लिक्विडिटी, फार्मिंग, और अब बात करते हैं DFYN के रोड मैप की। तो आप इनके वेबसाइट पे जा सकते हैं जहाँ पे अगर आप देखेंगे इन लोगों ने बताया कि बहुत जल्द ये अपने ब्लॉकचेन को एक्सपेंड करने वाले हैं। फिलहाल इन लोगों ने अपने आप को लॉन्च किया है पॉलीगॉन के ऊपर और इसके बाद ये बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं BSC, हेको, एवलांचे, पोलका डॉट और एल्गोरेंट के ऊपर भी। मतलब कि यहाँ पे आपको किसी और डेक्स के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक डेक्स के ऊपर आके सभी चेन के ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे ये अपने रूटर प्रोटोकॉल के थ्रू सभी चेन के ऊपर से लिक्विडिटी को भी सोर्स करेंगे अपने प्लेटफॉर्म के अंदर, तो यहाँ पे लिक्विडिटी की भी आपको कोई इशू नहीं होने वाली है। वहीं बात करें इनके रोड मैप की, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे Q2 में बहुत कुछ यहाँ पे प्लान्ड है, लेकिन अगर आप Q3 और Q4 देखते हैं तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। Q3 के अंदर ये अपना क्रॉस चेन IDO प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले हैं, और आपको पता है कि जब भी IDO प्लेटफॉर्म लॉन्च होते हैं तो उस प्लेटफॉर्म के जो टोकन्स होते हैं उसकी प्राइस में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। और ये आप देख सकते हैं, चाहे हम बात करें ट्रस्ट स्वैप की, चाहे हम बात करें पोलका स्टारर की, हमने उन सभी के ग्रोथ को देखा है। और Q4 की अगर बात करें तो यहाँ पे दोस्तों क्रॉस चेन क्रेडिट मार्केट को ये लॉन्च करने जा रहे हैं, जहाँ पे आप बोरो कर सकते हैं, आप लेंड कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे आपको DeFi का पूरा इकोसिस्टम आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिल जाता है। अगर बात करें इनके प्राइस की, तो यहाँ पे इसकी प्राइस इस समय चल रही है $3.65, और यहाँ पे इनका ऑल टाइम हाई प्राइस गया था 8.38 तक, और करीब 19 दिन पहले इसकी प्राइस ने $8 के मार्क को टच किया था। और बात करें इनके ऑल टाइम लो की, तो ऑल टाइम लो गया था यहाँ पे 11 मई को, यानी कि 24 दिन पहले $0.5 पे इसकी प्राइस गई थी, और अभी भी अपने ऑल टाइम लो प्राइस से 500% ऊपर है।
तो यहाँ पे मुझे लगता है कि क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है DFYN नेटवर्क के लिए। और अब बात करते हैं कि यहाँ पे आप मैटिक को कैसे क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पहली बार पॉलीगॉन नेटवर्क के ऊपर आ रहे हैं और आपके पास मैटिक नहीं है तो ये आपके लिए बहुत इजी सा होने वाला है और ये बहुत सिंपल सा है। उसके लिए आपको जाना होगा matic.supply के ऊपर और यहाँ पे उन्होंने बताया कि फॉसेट क्या है और ये कैसे काम करता है। उसके अलावा यहाँ पे बताया कि आपको कितना मैटिक यहाँ पे मिलेगा, तो ये कहते हैं कि आपको कम से कम 0.0005 मैटिक दिया जाएगा यहाँ पे इस फॉसेट के थ्रू। साथ में ये भी कहते हैं कि 0.001 मैटिक काफी है यहाँ पे 100 बेसिक ट्रांजिशन करने के लिए पॉलीगॉन नेटवर्क के ऊपर, और यहाँ पे आप दिन में 3 बार क्लेम कर सकते हैं। तो फटाफट यहाँ पे हम क्लिक करते हैं आई एम ह्यूमन के ऊपर, इनके कैप्चा को फिल करते हैं, कनेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैंने ऐसे वॉलेट को चूज़ किया है जहाँ पे इस समय 0 मैटिक है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा जो बैलेंस यहाँ पे बिल्कुल 0 है। अब मैं करूँगा रिसीव के ऊपर क्लिक और यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो गया कंप्लीट और मेरे अकाउंट में आ चुके हैं 0.001 मैटिक। मुझे लग रहा था कि मुझे यहाँ पे मिलेंगे कम से कम 0.0005, लेकिन मुझे यहाँ पे दिए गए हैं 0.001। तो इस तरह से दोस्तों आप दिन में 3 बार यहां से मैटिक को क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप DFYN एक्सचेंज को यूज़ कर सकते हैं और मुझे लगता है कि DFYN काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा आने वाले टाइम के अंदर। अब आप मुझे कमेंट में बताएं आप क्या सोचते हैं DFYN एक्सचेंज के बारे में, और अगर आपको लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया है DFYN के बारे में तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपके पास कुछ सवाल सुझाव इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।